आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक बधाई। कोई भी उत्सव या जन्मदिन मनाने का चार प्रमुख कारण होते हैं। जैसे कि ये परंपरा से प्रचलित है, जिस दिन किसी महान पुरुष से अगर संबंधित है तो उसको, जैसे श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ऐसे मनाते हैं। दूसरा कारण होता है, जिस दिन कोई विशेष कार्य करते हैं उस कार्य से संबंधित तो जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे करते हैं जैसे महात्मा उनका राधा डॉक्टर राधा कृष्ण को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बाल दिवस के रूप में मनाया गया, मनाते हैं ना। चौधरी चरण सिंह को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और तीसरा होता है, जब किसी कार्य में जैसे कि 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी मनाते हैं। और चौथा होता है, अगर कोई समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए मनाते हैं, या विशेष आगे कोई हमारी थीम होता है तो वो वर्ष मनाते हैं या दिवस मनाते हैं, जैसे 1 मई मजदूर दिवस मनाते हैं। ऐसे हम सोचे शिवरात्रि का जो हम त्यौहार मनाते हैं, इसमें से कौन सा ये चार प्रमुख कारण है, कौन सा कारण है शिवरात्रि कहते हैं। भले किसी बच्चे का जन्मदिन रात्रि में होता है लेकिन क्या कहते हैं, जन्मदिन। लेकिन शिव पिता परमात्मा के लिए रात्रि शब्द का संबोधन करते हैं, क्योंकि ये कलयुग का अंत है। ये पूरा कलयुग ही अज्ञान घोर रात्रि का समय है। शिव लिंग की पूजा करते हैं, इसमें शिव माना होता है कल्याणकारी और लिंग माना प्रतीक। तो अज्ञान अंधेरी रात्रि में परमात्मा का अवतरण होता है, जो स्वयं परमात्मा ने इसी समय का ये गायन है जो कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यानी इस समय जब परमात्मा धरा पर अवतरित हुए होंगे तब ही परमात्मा के ही महावाक्य हो सकते हैं कि परमात्मा अज्ञान अंधेरी रात्रि में अवतरण परमात्मा का होता है। तो परमात्मा को सभी ने कहा, जैसे कहा है ना कि भगवान एक है, तो शिव पिता परमात्मा को सभी ने स्वीकारा है। भले भाषा भेद हो सकता है लेकिन रूप सभी ने ज्योति स्वरूप ही माना है, और सभी धर्म ने माना है। इसलिए परमात्मा शिव को कहा गया, वो सर्व धर्म मान्य है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्व से न्यारे हैं, सर्वज्ञ हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं। तो परमात्मा को सभी ने माना है, श्री राम ने भी माना। आज जितने भी भारत में ज्योतिर्लिंगम मठ जो कहा गया है, 12 ज्योतिर्लिंगम मठ है, वो परमात्मा शिव का ही प्रतीक है। भारत में क्या बाहर भी कई ऐसे देश हैं, मिस्र, यूनान, कई जगहों में शिव को ही मानते हैं। देवी देवताओं की पूजा तो स्टेट माइंड मानते हैं, लेकिन परमात्मा शिव को सभी ने माना है। तर का रचयिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही है। श्री राम ने भी शिव को ही माना। जो रामेश्वर मंदिर है, राम ने शिव की पूजा की, बालू के शिव बनाकर। श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की, यहां तक शंकर को भी दिखाया, उन्होंने भी शिव को, उनके भी कोई इष्ट हैं और उनको हमेशा ध्यान मग्न ही दिखाया है। तो उनसे भी बड़े शिव आराध्य हैं शंकर के। तो सभी ने शिव निराकार परमात्मा को ही माना है। और बाहर भी आज हम देखते हैं ना, क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, माने ज्योति को ही माना है, ज्योति स्वरूप को सभी मानते हैं। यहां तक बाहर भले भाषा में
है, कोई आईसीएस कहता है, ओसीएस कहता है मिस्र में, लेकिन शिव को ही मानते हैं। और जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि शिव हमारी आराधना तुरंत स्वीकार करते हैं, राजी करते हैं, राजी हो जाते हैं, ऐसे बाहर भी माना गया, फल्लुस कहा गया, यूनान में फल्लुस कहते हैं, फल्लुस माने तुरंत फल देने वाला। और जैसे अपने यहाँ प्रथा है कि शिव के आगे या रखते हैं, बैल रखते हैं, ऐसे वहां भी रखते हैं। तो ऐसे करके सभी ने शिव पिता परमात्मा को ही माना है। और सभी देवताओं पर हम फल फूल अच्छे चढ़ाते हैं, लेकिन शिव पर क्या चढ़ाते हैं? अकग, जो कि विकारों का प्रतीक है, विषय विकार मिटाओ कहते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो अक धतूरा जो चढ़ाते हैं वो विकार छोड़ने की बात होती है। व्रत करते हैं, इसने व्रत नहीं, हमें पवित्रता का व्रत लेना है। कोई भी व्रत, नियम, उपवास, ये नियम होता है ना, तो व्रत यानी हमें पवित्रता का व्रत लेना है, करते हैं, उसमें हमें जरूर सफलता मिलती है। और उस शिवरात्रि के दिन हम उपवास करते हैं। उपवास का मतलब है उपवास, सन्निकट यानी परमात्मा पिता की याद में रहना। और फिर अक धतूरा बेल पत्र जो चढ़ाते हैं, बेल पत्र देखो कैसा कुदरत का भी कमाल है कि बेल पत्र तीन पत्ती का ही होता है, दो पत्ती एक पत्ती का नहीं चढ़ाते हैं, तीन पत्ती का ही चढ़ाते हैं। उस पर भी लोग कहते हैं एक कहानी है, शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि एक शिकार करने गया, उसको कई दिन से भोजन नहीं मिला था, तो वो जंगल में शिकार के लिए गया, तो उसके सामने एक हिरण और हिरनी आए, तो उन्होंने सोचा अच्छा शिकार मिला। लेकिन हिरनी ने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, बच्चों के लिए हम निकले थे, बच्चों को भोजन देकर फिर मैं वापस आ जाऊंगी। वो रात भर बहेलिया इंतजार करता रहा, लेकिन देखा कि जंगल में कोई उसको जीव जंतु ना खा जाए, इसलिए एक पेड़ पर चढ़ गया। और वो पेड़ भी किस चीज का था? बेल का। और रात भर वो एक एक पत्ती की, कहीं मैं सो ना जाऊं, इसलिए एक एक पत्ता गिराता रहा। वो एक एक पत्र जो गिराता रहा वो नीचे शिवलिंग था। लेकिन जब वो हिरनी सुबह आई अपने पूरे परिवार सहित और आकर उससे कहा अब आप मुझे शिकार करिए, मैं और सब बच्चों से जिसका भी करना करिए। तो उसका जब वो नीचे उतरा, देखा नीचे शिवलिंग है, उसका भाव बदल गया। अब सचमुच सोचो, क्या ये एक छोटी सी कहानी से इतना बड़ा हम व्रत करेंगे? लेकिन सचमुच इसका भी आध्यात्मिक रहस्य है, इसका भी आध्यात्मिक रहस्य है। बेल पत्र तीन का जो होता है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता त्रिमूर्ति है, ये सब समझने की बातें हैं। और फिर दूसरी कहानी बताते हैं जो समुद्र मंथन हुआ। तो ये जो कहानियां हैं इस पर अगर ये इतना बड़ा त्योहार, जो भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं सबसे ये विशेष त्योहार है, इतना बड़ा त्योहार इस छोटी सी कहानी पर थोड़ी होगा। लेकिन यथार्थ विधि नहीं है, अगर हम यथार्थ विधि से मनाएं तो हमें जरूर सुख शांति हमारे जीवन में मिलेगी। तो आज हम बुराइयां तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बुरी चीजें चढ़ा देते हैं, जैसे अक धतूरा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, दूध चढ़ाया। परमात्मा कहता है कि तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि एक पिता परमात्मा की संतान हो, इसलिए किसी से बैर विरोध नहीं रखना है, तो बेर चढ़ा देते हैं। बुराइयों का व्रत लें, विकार छोड़ने हैं तो विकार के लिए अक धतूरा चढ़ा देते। और कहते हैं जो शिव पर चढ़ाया जाता है वो खाया नहीं जाता है। तो यानी हमें अपनी बुराइयां चढ़ानी। भगवान ने कहा समय का घंटा दो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनियाद। लेकिन क्या करते हैं? चोरी भी करने जाते हैं तो कहते हैं हम एक मन का में पकड़ा ना जाऊं, है ना। तो भगवान तो समय के घंटे की मांग कर रहा है, लेकिन हम मन का, माने एक मन का घंटा चढ़ा देते हैं, लेकिन भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। दूध हम चढ़ाते हैं, आज देखो शिवरात्रि के दिन कितना दूध चढ़ाते हैं,
जबकि भगवान ने कहा तुम दूध जैसे सच्चे बनो, सच्चाई सफाई चाहिए सच्चे पर साहेब राजी, लेकिन दूध चढ़ाते हैं और अंदर एक बाहर दूसरा रहते हैं। तो परमात्मा तो कहता है कि अपनी बुराइयां मुझे बेशक व्रत करो, उससे कोई बात नहीं, उससे तो तन की शुद्धि की बात होती है, लेकिन हमें अभी बुराइयों का व्रत लेना है। तो हम सब अगर इस विधि से मनाएं, अपनी बुराइयों को छोड़ें, तो जरूर हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन हम बुराइयां नहीं छोड़ते हैं, बुरी चीजें चढ़ाते हैं। तो अब इस समय की मांग ये है कि हमें बुराइयों को छोड़ना है। और कहते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अगर हम परमात्मा पिता को याद करेंगे तो ये अज्ञानता खत्म होगी। और सचमुच ये अज्ञान अंधेरी रात्रि का समय है, जो शिव पुराण में भी कोटि संहिता के 42वें अध्याय में कहा गया है कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होऊंगा। और भी मनु स्मृति में भी लिखा हुआ है, महाभारत में भी ये वृत्तांत आया है कि जो अंडाकार स्वरूप प्रकट होकर और फिर नए युग की स्थापना का कार्य हुआ। तो ये समय वही चल रहा है और परमात्मा का अवतरण हो चुका है और परमात्मा आकर कह रहा है अब अज्ञान नींद से जागो। ये अज्ञानता से जागने की बात है, बाकी वो रात्रि 24 घंटा की सोने की जागने की बात नहीं है। मनाते भी हैं शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं और रात में जागरण करते हैं, यानी अज्ञानता से जागना है। वो जागरण से जागना एक होता है आंखों से जागना। आंखों से तो जागरण कर लेते हैं नवरात्रि शिवरात्रि और ये दीपावली में जागने का होता है, लेकिन हमें अज्ञानता से परमात्मा आकर सिखा रहा है कि हमें अज्ञानता से जागना है। बाकी अगर हम ऐसे स्थूल मनाते रहेंगे तो हमें क्या प्राप्ति हुई। अभी दिन पर दिन और गिरावट में आते जा रहे, भक्ति पूजा तो करते कर रहे आए जन्म जन्मांतर, लेकिन अभी परमात्मा जो विधि हमें सिखा रहा है उस विधि से हमें करना है। अच्छा, ओम शांति।